आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ऑप्शन लेके आया हूँ ना, जिसको देखने के बाद आप लोगों को पता लगेगा कि ऑप्शन में कितनी सारी चीज़ें आती है और क्या क्या चीज़ें आ सकती है और कितनी क्वांटिटी में चीज़ें आ सकती है। ये ऑप्शन ऐसा रहने वाला है, दिल्ली एयरपोर्ट का ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन रहने वाला है ना। ये ऑप्शन से अगर आप माल खरीदते हैं तो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी रख सकते हैं और पूरा का पूरा कंप्लीट ये इंडियन बैगेज बैटल होने वाला है। इस यहाँ से माल खरीद के आप अपना खुद का कस्टम शॉप खोल सकते हैं। इतनी सही सही चीज़ें इस बार इस ऑप्शन में आई हुई हैं, आप लोगों को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, जो जो सही सही चीज़ें हैं आप लोगों को पूरे लॉट में से वो दिखाऊंगा। दसियों हज़ारों आइटम इस बार आया हुआ है, दिल्ली एयरपोर्ट पे ये ऑक्शन होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं सीधा आप लोगों को ऑक्शन की तरफ लेके चलता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांकर और आप सभी देख रहे हैं ग्लोबल व्यापार, जहाँ पे हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की और कस्टम ऑक्शन की। तो सीधा मैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या ऑप्शन, क्योंकि लिस्ट इतनी बड़ी है, अगर मैं पूरी लिस्ट को कवर करूँगा तो पता नहीं कितनी बड़ी वीडियो बनने वाली है। तो लिस्ट में से सबसे सही सही आइटम मैंने सेलेक्ट किया, उन आइटमों को आप लोगों को दिखाऊंगा जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी मैं आप लोगों का ये ऑप्शन खत्म करूँगा। तो दोस्तों, मैंने ये MSTC का जो ऑप्शन वाला पेज है वो मैंने खोल लिया है। देखिए, ऑप्शन नंबर है आपका 35198 और जो इसका इंस्पेक्शन डेट है वो है 14/3/2022 का और जो इसकी बिडिंग डेट है वो है 16/3/2022 की। कहाँ पे हो रहा है ये देखिए, EICI एक्सप्रेस टर्मिनल गेट नंबर 1 ओल्ड हज टर्मिनल IGI कार्गो न्यू दिल्ली में हो रहा है ये। और देखिए, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाली जो लिस्ट इन्होंने वहाँ पे डाली हुई है वेबसाइट पे, इसमें ये एक एक लॉट के अंदर, ये जो लॉट आप देख रहे हैं 39-02-B 39-02-C 39-02-D, तो एक एक लॉट के अंदर ही कई मतलब बहुत बहुत सारे आइटम है, मतलब 25-30-50 एक एक लॉट के अंदर आइटम है। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिखा रखा है कि मोटा मोटा इस लॉट के अंदर क्या आइटम रहने वाला है, जैसे कि 39-02-E में रहने वाला है आपका गारमेंट, 39-03-B में रहने वाला है मिसलेनियस, इसमें बहुत सारा ये देखिए 39-04J में रहने वाला है आपका रिस्ट वॉच एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, 39-04K में रहने वाला है आपका रिस्ट वॉच एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इसकी जो एक्चुअल लिस्ट है, मैंने नीचे यहाँ से देखिए, मैं हम एकदम नीचे जाएंगे इसके, तो यहाँ पे जो है ये लिस्ट ऑफ, ये मैंने लिस्ट ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों को सीधा जल्दी से वो लिस्ट खोलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या क्या आइटम है इस बारी एक एक। यहाँ पे सिर्फ आप देखो कि लॉट नंबर 39-02A में कितने आइटम है, मास्क, पता नहीं कितने दुनिया भर के आइटम है। 39-02B में देखिए कितने सारे मास्क हैं, तो मास्क वगैरह मैं छोड़ देता हूँ। मास्क वगैरह देखिए, अगर आप गारमेंट्स में जाएंगे, जैसे कि ये वाला है गारमेंट वाला जो लॉट है, लॉट नंबर 39-02D, तो इसमें देखिए कितने सारी चीज़ें हैं, मेंस वेयर, लेडीज़ इनर वेयर, लेगिंग्स, लेडीज़ टी शर्ट, लेडीज़ टॉप, टी शर्ट, किड्स ड्रेस, लेडीज़ लोअर टी शर्ट, मेंस लेडीज़ टॉप टी शर्ट, नाइट ड्रेस, वाइट ड्रेस, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं छोड़ देता हूँ, आप लोगों को सीधा इलेक्ट्रॉनिक्स जो काम की आइटम है उसकी तरफ लेके चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या सही सही चीज़ें आई हुई हैं इस बारी। आप लोग देख सकते हैं कि एक एक लॉट के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी, ये एक्चुअल में इंडियन बैगेज बैटल है और एक्चुअल में आप यहाँ से लेकर पूरी की पूरी अपनी दुकान खोल सकते हैं ना, कस्टम शॉप जो कहते हैं, कस्टम शॉप यहाँ से खोल सकते हैं, आप पर्सनल यूज़ के लिए इसको रख सकते हैं। ये जो मिसलेनियस लॉट नंबर 39-04C है मिसलेनियस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं। इसमें इंटेल i7 9th-gen प्रोसेसर है, PVCT, रोल ऑफ 5W LED, बहुत सारी चीज़ें, यूनिवर्सल ट्रैवल अडेप्टर, हनीवेल के ट्रैवल अडेप्टर है, गेमिंग रिमोट कंट्रोल है, LED लाइट पैनल है, PVC पैनल है, अडेप्टर है, USB बॉटल वार्मर है, ऑटोमेटिव ब्लेड फ्यूसेस हैं, और यह है रिस्ट वॉच में चलते हैं सीधे से, रिस्ट वॉच में आप लोगों को दिखा दूँ। देखिए कैमराज विद एक्सेसरीज आई हुई हैं इसके अंदर, वायर्ड हेडफोन्स हैं इसके अंदर, ब्लूटूथ स्पीकर कम वायरलेस चार्जर कम बेड साइड लैम्प है, USB वायरलेस ड्यूअल अडेप्टर मॉडल ये है, हाई फाई बेस मिनी, और ये है आपका वॉशिंग मशीन गियर है इसके अंदर, वायरलेस माउस है आपका आर्क टच का, उसके बाद और भी एनालॉग रिस्ट वॉच पैकिंग, राडो की कोई रिस्ट वॉच है पता नहीं, ओरिजिनल राडो है कि लोकल राडो है, स्मार्ट प्लांट विथ एक्सेसरीज, LED फ्लैश लाइट, स्मार्ट डोर लॉक, देखो 250GB की SSD है सैमसंग की, जो छोटी वाली SSD आती है, मैंने ख्याल ये 5,000 या 7,000 रुपये की आती है, वो सारे लॉट के अंदर ही है, इस आइटम के साथ ये बाकी सारी चीज़ें आपको एक साथ इस सारी चीज़ों की बिडिंग करनी होती है। इसके बाद देखिए ये आपका मैक्स प्यूरीफायर, LED हेड लैम्प्स हैं आपके, वायरलेस चार्जर है USB केबल के साथ, स्विच वगैरह है, म्यूज़िक प्लेयर्स हैं, मिक्सर ग्राइंडर विद एक्सेसरीज, बॉडी वेट स्केल, ब्लूटूथ वाला बॉडी वेट स्केल है आपका, कार मल्टीपल डायग्नोस्टिक इंटरफेस। एक्चुअली दोस्तों मैं बता दूं कि जो कंटेनर ऑप्शन है और एयरपोर्ट वाला ऑप्शन है ना, एयरपोर्ट ऑप्शन में क्या होता है कि चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक आइटम ज़्यादा इंपोर्ट होती है हमारे इंडिया में, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम जब भी आप इंपोर्ट करते हैं तो उसमें कई तरह की कंप्लाइंस होती है, जिसके चलते ये चीज़ें जो है ना बाद में लोग क्लियर नहीं करा पाते, जो नाड़ी लोग हैं वो इंपोर्ट कर लेते हैं, बाद में क्लियर नहीं होती, तो फिर बाद में वो घूम के ऑप्शन में आ जाती है। तो कई बार चीज़ें जो हैं बहुत नई भी होती हैं, कई सारी चीज़ें बहुत पुरानी होती है, रखे रखे ख़राब भी हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें अगर चलेगी नहीं तो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ों को जाके देखना, खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और ये कस्टम ऑक्शन में पार्ट लेने के लिए आप लोगों को MSTC में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। वहाँ पे ID पासवर्ड जनरेट करके एक वहाँ से आप लोगों को आई कार्ड भी मिलता है जिसको दिखा के आप इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने अब तक ये नहीं कराया और आप लोग चाहते हैं कि आगे आने वाले इस तरह के ऑक्शन में पार्ट ले, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम आपका रजिस्ट्रेशन कर देगी और अगले 1 साल तक पूरी बिडिंग में आपकी हेल्प करेगी। किसी भी तरह की कोई भी कंप्लाइंस हो, किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, उसमें हमारी टीम आपको पूरी असिस्ट करेगी। तो मैं आगे और बताता हूँ आगे और क्या क्या आइटम है। देखिए, एक नंबर एप्पल एयरपॉड प्रो वायरलेस चार्जर मॉडल ये एक नंबर मॉडल, तीन 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 एप्पल एयरपॉड्स है मेरे ख्याल। यहाँ पे तीन एप्पल एयरपॉड्स है क्योंकि तीन मॉडल इन लोगों ने लिखे हुए हैं। स्मार्ट फेशियल क्लिनजिंग डिवाइस है। उसके बाद मैं देखिए कितनी कितनी सारी चीज़ें हैं। ये अगर ये मैं सारे आइटमों को एक एक बार आप लोगों को बोलूँगा तो पता नहीं पूरी शाम हो जाएगी ये वीडियो, 2-3-4 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो मैंने कुछ आइटमों को मार्क किया हुआ है, मैं सीधा आप लोगों को वहाँ लेके चलता हूँ। बहुत सारी सही से चीज़ें हैं, क्या हो सकता है कि मैंने मिस कर दिया हो। ये सारी डिटेल आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके ये सारी लिस्ट को आप वहाँ से देख सकते हैं। एक्चुअल में दो लिस्ट हैं ऐसी, ये एक लिस्ट को आप देख रहे हैं, इस तरह की एक और लिस्ट है। तो सोचिए कितने आइटम है, हज़ारों आइटम है, 10 ही हज़ारों आइटम है। तो आप लोग वहाँ से जाके खुद अपने उससे देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप 4 तारीख को जाके यहाँ पे खुद पर्सनली इन चीज़ों को पकड़ के देख सकते हैं कि कितनी सही चीज़ें हैं और किस हिसाब से इसकी बिडिंग होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ नीचे की तरफ। मैंने कुछ को मार्क कर रखा है। देखिए, सैमसंग का स्मार्ट वॉच है, एप्पल सीरीज़ 5 एप्पल का स्मार्ट वॉच आया हुआ है। उसके अलावा आपका हार्ड ड्राइव्स है, वेस्टर्न डिजिटल का हार्ड ड्राइव है। उसके साथ मिनी एक्सटेंशन पोल, डबल साइडेड टेप, RFID टैग्स, स्पेयर पार्ट ऑफ मिक्सर, वुडन प्लाई, सेट ऑफ कन्वर्टर, USB HS मॉडल, पता नहीं क्या है ये चीज़। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। 4 BMW कार के म्यूजिक सिस्टम आए हुए हैं। BMW गाड़ी की म्यूजिक सिस्टम समझ सकते हो कितना महंगा आता है ये। BMW कार का म्यूजिक सिस्टम है, AC मॉडिफायर, गॉज है आपका, सन डायल विद कंपास विद वुडन कवर, वायरलेस ईयरफोन्स, सेट ऑफ 3D पेन विद एक्सेसरीज, फिर मेटल बॉक्सेस हैं आपके, अजान क्लॉक डिजिटल से, सीलिंग लाइट्स और रबर रिंग सील्स, पता नहीं क्या क्या, दुनिया भर की चीज़ें आई होती हैं। दुनिया भर की बहुत सही सही चीज़ें होती हैं, बहुत सारा कूड़ा भी होता है। तो उस हिसाब से आप लोगों को जाके देखना होता है, एक बार और देखना होता है कि क्या क्या आइटम है। फिर देखिए, ये डोर हैंडल्स है, सॉलिड टाइल्स, डोर नॉब्स, ये बैकपैक्स, 5 बैकपैक्स है। कौन किस तरह के बैकपैक्स है, कैसे बैकपैक्स है, ये यहाँ से कैसे पता लगेगा, वहाँ जाके देखने के बाद ही पता लगता है। मैंने ऑलरेडी एयरपोर्ट ऑक्शन के ऊपर एक लाइव वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो भी नहीं देखी तो वो भी आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड कार्ड में भी मैं डाल दूंगा। तो वीडियो के लास्ट में जब वो आएगा तो आप वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि लाइव वीडियो में जब मैं गया था और देखा था वहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस कंडीशन में होती है, उससे भी आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। और आगे आने वाले लाइव ऑक्शन में भी मैं आप कहीं बार ऑक्शन में जाऊँगा और आप लोगों को लाइव वीडियो वहाँ से ला के दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं आप अगला बता देता हूँ आप लोगों को, मैंने कहाँ मार्क किया था। ये मिसलेनियस लॉट नंबर 3904 ZT करके है। देखिए, वुमन एंट्री पेपर, सब्रेसिव ग्राइंडिंग ब्लॉक, सब्रेसिव यार कितने, वायरलेस ईयरफोन्स, डेकोरेटिव आइटम्स, इलेक्ट्रिक हीटर, ब्लूटूथ स्पीकर, रेजिन रोल प्रिंटर, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, ब्लूटूथ स्पीकर विद एक्सेसरीज, वुडन पीसेस, कैटलॉग्स। उसके बाद लॉट नंबर 3904 M2, एक आईफोन आया हुआ है इसके अंदर। फिर फ़ोन होल्डर है, मोबाइल स्क्रीन प्रोटेक्टर, मोबाइल बैक कवर, मोबाइल बैक कवर प्लस फोन स्क्रीन प्रोटेक्टर, मोबाइल बैक कवर। अगले वाले में चलते हैं, लॉट नंबर 3904 M3, iPad Air 2 एक्सेसरीज मॉडल, ये एप्पल का EMI नंबर दिया हुआ है, कवर के साथ है, पावर अडेप्टर इसका, चार्जर वगैरह सारी चीज़ें साथ में है, मोबाइल कवर है बहुत सारे इस वाले लॉट के अंदर, और भी मोबाइल स्क्रीन प्रोटेक्टर भी हैं बहुत सारे डी ब्रांड के। डी ब्रांड भी बहुत बड़ा ब्रांड है, जो आपको पता होगा कि मोबाइल के जो स्किन है वो बनाता है और वो बैक कवर्स वगैरह बनाता है। तो डी ब्रांड के बैक कवर्स भी आए हुए हैं बहुत सारे। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला अगर देखें तो कुछ ड्यूल चार्जर भी है, बैटरी सेल्स आए हुए हैं, लेडीज ड्रेस प्लस वो भी आया हुआ है। लॉट नंबर 3905 B में जाएंगे, LCD डिस्प्ले पैनल चाइना मेक। तो देखिए, LED प्रोजेक्टर वगैरह है, कार नेविगेशन सिस्टम है यहाँ पे, LED पोर्टेबल प्रोजेक्टर विद एक्सेसरीज, LCD डिस्प्ले, पावर बैंक 5000 mAh का, LED प्रोजेक्टर विद एक्सेसरीज, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, कितनी सारी चीज़ों का बताऊँ मैं आप लोगों को। लॉट नंबर ये देखिए, Alpine Rider Gigabyte फ्लैश मेमोरी कार्ड, ट्रांसेंड, 2 नंबर मोबाइल कवर, वाईफाई, स्मार्ट होम कैमरा, 4 नंबर टेम्पर ग्लास, 2 नंबर एसोटेड टाइप्स ऑफ ब्रशेस, 4 नंबर पेन, 1 नंबर थ्रेड रोल, 5 नंबर सेल्फ एडेसिव रियल ग्लास टाइल्स, 1 नंबर ट्राईपॉड नेब्यूला, 4 नंबर कटर, 1 नंबर लॉन्जरी है, 1 नंबर हीटिंग पैड है, 3 नंबर मिनी स्टाइलस विथ स्टाइलस होल्डर है आपका, 1 नंबर ज़ेवरॉन लेमिनेट। देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं। एक उसके बाद मैं सनग्लासेस वाले लॉट का आपको थोड़ा सा कह देता हूँ। 1 नंबर सनग्लासेस विद कवर, 1 नंबर एनालॉग रिस्ट वॉच, रोलेक्स का रिस्ट वॉच है, आप पता नहीं कितना असली कितना नकली हो, तो देख के ही पता लगता है, जिन लोगों को पता है वही पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे और जाते हैं, और भी मैंने कुछ
हाँ लॉट नंबर 3905G में है, कुछ पोलरॉइड स्नैप टच कैमरा प्लस वन पोलरॉइड स्नैप टच कैमरा इन डैमेज कंडीशन, 5 नंबर मिनी पॉकेट प्रिंटर, पोलरॉइड का प्रिंटर और ये स्नैप टच कैमरा जो है बहुत महंगा आता है मुझे जहाँ तक पता है। फिर 4 नंबर डिजिटल ब्लूटूथ प्रिंटर, कोडैक के ब्लूटूथ प्रिंटर भी आ रखे हैं, 5 नंबर जिप मॉडल प्रिंटर करके है कोई पोलरॉइड का पैकेट्स। फिर उसके बाद ये है ये मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता के वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, आप ये सारी डिस्क्रिप्शन से डिटेल डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इस तरह का एक और कंप्लीट इतना ही बड़ा लिस्ट है, तो वो भी है, टोटल मेरे ख्याल बहुत सारे आइटम है इस बार, 20-25 हज़ार आइटम है। तो आप लोग इस ऑप्शन में जाके देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे मैं बताऊंगा तो आप लोगों को वैसे भी पता नहीं लगेगा, कि वीडियो भी अननेसेसरी की लंबी हो जाएगी, आइटम बहुत सारी सही सही चीज़ें आती हैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखती रहेंगी। और इस तरह के ऑप्शन में पार्ट लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और MSTC में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस तरह के आने वाले ऑप्शन में पार्ट ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह के ऑप्शन से आप बहुत ही अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं और आगे इसको रीसेल भी कर सकते हैं और फिर खुद के यूज़ के लिए भी रख सकते हैं। दो तरह के ऑप्शन होते हैं, कंटेनर ऑप्शन होता है, एक एयरपोर्ट ऑप्शन होता है। एयरपोर्ट ऑप्शन के लिए मैं ज़्यादातर लोगों को बोलता हूँ, क्योंकि कंटेनर ऑप्शन जो है उसकी बिडिंग काफ़ी हाई जाती है, क्योंकि कमर्शियल क्वांटिटी पूरा कंटेनर आपको एक बार में खरीदना होता है, इसमें लॉट वाइज आपको खरीदना होता है। एक लॉट में अगर 10-12 आइटम है तो 10-12 आइटम के लिए आप बोली लगा के खरीद सकते हैं, फिर बाद में उसको फर्दर रीसेल कर सकते हैं या आप खुद भी रख के उसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी काम की चीज़ें जैसे कि आईपैड है, एयरपॉड है, मैकबुक्स वगैरह आते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके खुद के यूज़ में भी आ सकती हैं। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।